इस वीडियो में हम बनाएंगे मिक्स अचार। इस अचार को बनाने के लिए हमने सभी सब्जियों को धोकर कट कर लिया है। सबसे पहले हमने गोभी कट करके लिए, फिर गाजर, मूली, हरी मिर्च को बीच से कट किया है और अदरक कट करके लिया है। सभी सब्जियों को हम एक दूसरे बर्तन में निकालेंगे। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं सभी सब्जियों ने पानी छोड़ा है। इसे अब हम पानी से अलग एक सूखे कपड़े में फैला लेंगे। इसे हम सूखे कपड़े में फैला लेंगे। उसके बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखकर या फिर धूप में रखकर इसके पानी को सुखा लेंगे। तब तक हम इसके मसाले को बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई गर्म किया है। इसमें हम सबसे पहले मेथी डालेंगे, इसमें धनिया डालेंगे, सौंफ। मसालों को हम थोड़ा भूनेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ा सरसों डालेंगे, मिक्स करेंगे और इन सभी मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई टोस्ट कर लेंगे। दो मिनट बाद सभी मसाले ड्राई टोस्ट हो चुके हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इसे ठंडा कर इसे पीस लेंगे। देखिए, हमने मसाले को पीस के इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ पे हमने कढ़ाई में सरसों तेल अच्छे से गर्म कर लिया था। इसे अब हम थोड़ा ठंडा करके फिर अचार में यूज़ करेंगे। अब 6 घंटे बाद सब्जी का पानी जो है वो सूख चुका है। इसमें हमने तैयार किए हुए मसाले को डाला है, फिर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और काला जीरा, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस अचार को आप 2-3 दिन धूप दिखाकर फिर एक कंटेनर में भरकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस मिक्स अचार की आसान सी रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।